शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें बोझ समझते हैं। मेरा मतलब है कि तुम्हारे भाई ने शादी बहुत धूमधाम से की, पर वो सोच होती है ना कि बहन को बोझ की तरह समझना, उसे बोझ मानना। ये आप क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहा हूँ, तुम्हारे भाई ने शादी तो अच्छे से की पर समाज के बारे में सोचा, चढ़ावे में क्या दिया कुछ पता है तुम्हें? चलो जाने दो, तुमने माँ का दिल जीतना है और घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी है। माँ को कभी नाराज मत करना। जी ये शादी करके तो हम ठगे गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि बहू का भाई ऐसे करेगा। अरे लेन देन की बात अगर हमने खुल के नहीं की तो क्या उसका मतलब ये होता है? मैंने सोचा था कम से कम अपने सम्मान के लिए वो 5 लाख तो देगा, लेकिन क्या दिया? 51,000। तो माँ बाकी का सारा सामान और 10 तोला सोना भी तो दिया है ना? वो तो कोई भी देता। मीठी मीठी बातें करके बस फंसा लिया हमें। वो पड़ोस का दिनेश है ना, उसकी शादी में 7 लाख रुपए चढ़े हैं और हमें क्या मिला? 51,000। पूरा मोहल्ला हंसेगा हम पे। मेरा तो कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जिसकी शादी में मैं अपना ये सपना पूरा कर सकूं। बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ, बहुत बड़ा धोखा। अरे तो सबसे कह दीजिएगा ना कि भाभी के भाई ने 5 लाख पहले ही दे दिए थे। चुप कर तू ना, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। और चली सलाह देने। Thank you.
माँ जी आप। बस बस मैं आ गई तो पैर छूने आ गई। मैं यहाँ ये देखने आई थी कि तुझे सजने संवरने में और कितनी देर है। हा? 7 बज गए हैं, अब बेटे की शादी करने के बाद भी क्या सुबह का नाश्ता और चाय मैं ही बनाऊं? कुछ सिखाया नहीं तुम्हारे भाई और भाभी ने तुम्हें? माँ जी मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम्हें कहा था ना मैंने कि घर की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है, भूल गई? और सुनो, जो चाय बनाओगी ना वो बर्तन ठीक से धोना, हमारे यहाँ सारा काम साफ सफाई से होता है, ये ना समझाना पड़े तुम्हें। चलो अब तू भी जल्दी से तैयार हो जा, दुकान जाना है कि नहीं? वैसे भी शादी की वजह से 4 दिन से दुकान बंद थी। ठीक है माँ, तुम भी जाकर चाय पियो, आराम करो, जाओ अपनी बहू के हाथ की चाय पियो। जल्दी तैयार हो जा। जी। माँ जी ये थोड़ी केले की सब्जी लीजिए ना। बस बस रहने दे, जब बनाना सीख जाएगी ना तब बोलना और लीजिए माँ जी। अरे केले की सब्जी कोई ऐसे बनती है? कितनी मिर्ची है? अरे क्या सीख के आई है तू? कुछ सिखाया नहीं तुझे? माँ भाभी की माँ थोड़ी है जो उसे सिखाएगी। अरे माँ नहीं है तो भाभी तो है ना, उसने क्या सिखा के भेजा है? अच्छा सुनो बहू, हमारे यहाँ शादी के 4 दिन बाद चौठारी की रस्म होती है, इसमें बहू के मायके से उसका भाई कुछ सामान लेकर आता है, तो अपने भाई को फोन करके बता दो कि इस बार सामान जो लाएगा ना जरा समाज का ख्याल रख के लाए। यहाँ पर मोहल्ले वाले आते हैं सामान देखने कि बहू के मायके से क्या आया है, फोन कर दो उसे और कह देना। जी माँ जी। दुकान से भैया नहीं आया अब तक? वो देर से आएगा, आज कह के गया था। राजवीर दुकान से आएगा तो उसे खाना खिला देना और फिर तू भी खा लेना, तब तक ये बर्तन वर्तन मांज दे। खाना ले जा, मेरे से तो नहीं खाया जा रहा, बहुत मिर्ची है, ले जा। अरे राम, हेलो, नमस्ते भाभी। खुश रहो, और कैसी कटरी है वहाँ? मैं अच्छी हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मन तो लग रहा है ना, और हमारे नंदोई जी कहाँ हैं? भाभी वो अभी काम पर से आए नहीं हैं। अच्छा, वैसे मानते तो है ना तुम्हें वहाँ? हाँ भाभी, वो लोग मुझे बहुत मानते हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए भैया कहाँ पर हैं? अरे वो यही है, अभी देती हूँ एक सेकेंड। नंदिता। हेलो। नमस्ते भैया। कैसी नंदिता? भैया वो माँ जी ने कहा था कि आप जो भी चौथारी का सामान लेकर आ रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के लेकर आइएगा। वो क्या है ना, यहाँ मोहल्ले वाले लोग बहुत बातें बनाते हैं कि चौथारी में क्या क्या सामान आया है, क्या क्या नहीं आया है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ चौथारी? नंदिता तुम ठीक तो हो ना, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं भैया मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ जी ने आपसे ये कहने के लिए कहा था तो मैंने आपको कह दिया। अच्छा एक काम करो, माँ जी को बोलना कि मैं कल ही उनसे मिलने आऊँगा, ठीक है? ठीक है भैया, मैं कह दूंगी। अब नमस्ते भैया। खुश रहो, अपना ख्याल रखना। खाना आपने नशा किया है? तुझे क्या फर्क पड़ता है, अपने काम से काम रख, जाए से
जाने ऐसे। माजी चाय। थैंक यू भाभी। माजी वो भैया कह रहे थे कि आज वो आने वाले हैं। आज? लेकिन आज क्यों? देखो बहू, हर काम है ना वक्त पे हो वो तभी अच्छा लगता है। अरे भैया आप आ गए। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया। आइए खुश रहो। बहू अपने भाई के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जी माँ जी। चौथारी तो दो दिन बाद है, तो फिर आज कैसे आना हुआ? जी माँ जी, उसी के बारे में बात करनी थी, मैंने सोचा कि आज ही आपसे मिलकर बता दूं। क्या बता दूं? दरअसल माँ जी, हमारे यहाँ चौथारी की परंपरा नहीं है। क्या? हाँ माँ जी, वो दादाजी के टाइम पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, तो पंडित जी ने कहा कि हमारे यहाँ चौठारी सहती नहीं है, तभी से वो परंपरा बंद हो गई। मैंने तो सोचा था कि जब तुम चौठारी लेकर आओगे तब तुमसे ये बात करूंगी, लेकिन अब जब आ ही गए हो तो अब बात कर ही लेती हूँ। जी माँ जी बोलिए ना। दरअसल राजवीर का काम कुछ ठीक चल नहीं रहा है। एक नई बिस्किट की कंपनी आई है, राजवीर सोच रहा था कि उसी की एजेंसी ले लूं, लेकिन उसके लिए 5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, तो ये 5 लाख अगर तुम उसे दे दो तो वो ये एजेंसी ले सकता है। देखो बेटा, रिश्तेदार ही तो रिश्तेदारों के काम आते हैं, है ना? और फिर अगर ये एजेंसी ले लेगा तो तुम्हारी बहन ही तो सुखी रहेगी, क्यों? बात तो सही है माँ जी, पर मैं ना उसके लिए भी माफी चाहूंगा। दरअसल माँ जी, वो शादी के टाइम पे बहुत खर्चे हो गए और मेरे पे बहुत कर्जा आ गया, तो उसको चुकाने में बहुत परेशानी हो रही। भैया चाय। ठीक है माँ जी, का ख्याल रखना। ठीक है जी। नमस्कार माता जी। अरे आइए मोतीलाल जी। ये आप क्या कर रही हैं? कुछ बड़े पौधे लगाने थे ना, इसीलिए गड्ढा खोद रही थी। बेटे की शादी के बारे में सुना, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैंने आपको फोन किया था लेकिन आपका फोन ही नहीं लगा। अब जाने भी दीजिए, क्यों बहाना कर रही हैं? मैंने तो राजवीर के लिए रिश्ता बताया था आपको, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया और बेटे की शादी भी कर दी। वो लोग 10 लाख दे रहे थे, वैसे क्या मिला आपको? हमारी तो तकदीर ही खराब है, सच कहूं तो ये शादी करके कुछ नहीं मिला हमें, जितनी उम्मीद थी ना सारी धरी की धरी रह गई। अब क्या कहें, आप तो समझदार है ही हैं। राम राम। अपनी इस गलती को मुझे ही सुधारना होगा। अब कोई मना करता है तो थोड़ा लिहाज करके मना करता है, लेकिन वो सीधा मुंह पे ही मना कर दिया। जाने दो ना माँ, छोड़। बहू तुम जाके पहले थोड़ा सा अचार ले आओ। जी रहने दो इसे, रखो।
हे भगवान, ये देखो जरा, खाने में बाल। अब खुले बालों से खाना बनाएगी तो ऐसे ही होगा ना, खाने में बाल आ जाए ना तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है हम लोगों का। और इसने मुझे बाल वाला खाना खिलाया, ले जाए इसे। खड़े खड़े क्या देख रही हो, लेके जाओ, हम मां के लिए दूसरी थाली लेके आओ। नसीब ही फूट गए हमारे। ये क्या इतनी धीरे धीरे काम कर रही है, बर्तनों का ढेर ऐसे ही पड़ा है, करती क्या रहती हो तुम? माँ जी बस मैं भी करती हूँ। श्रृंगार से फुर्सत मिले तब तो ना। बहू उठो। जी माँ जी। दिन में सो रही हूँ, हाँ काम कौन करेगा? महारानी हो तुम यहाँ की, उठ के चुपचाप काम करो, चलो सारा काम पड़ा हुआ है घर में। जा लेकर आओ। जल्दी जल्दी हाथ चला, घर में और बहुत काम पड़ा है। माँ जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप मेरी दुश्मन क्यों बन गई हैं? आप क्या चाहती हैं मुझसे? आप मुझे नौकरानी बनाकर लाई हैं या अपनी बहू? तुम तो नौकरानी बनने के लायक भी नहीं हो, बहू बनाकर भी पछता रही हूं मैं तुम्हें। पछता तो मैं रही हूँ माँ जी। जब आप लोग रिश्ता देखने आए थे मैं तभी आप लोगों को नहीं पहचान सकी। सिर ज़बान लड़ाती है हाँ? इतना भी जुल्म मत कीजिए माँ जी कि मैं सह ना सकूं। आए हुए थोड़े दिन हुए ऐसे और अपने रंग दिखाने लगी है, आज हाथ पकड़ा है कल मुझे थप्पड़ मारेगी। बदतमीज। मुझे थप्पड़ मारा मुझे, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। सुना तो ले, सुना क्या कह रही है? पुलिस को बुलाएगी, पुलिस की धमकी दे रही है हमें। मैं तो पहले ही जानती थी ये हमारी बर्बादी के लिए आई है यहां।
तू इसके भाई को बुला, लगा शशिकांत को फोन, आज ये फैसला होकर ही रहेगा। हेलो शशिकांत, अच्छा हुआ तुम आ गए शशिकांत, अब उस मुसीबत को अपने साथ लेकर जाओ, हमें भी उस बला से छुटकारा चाहिए। हुआ क्या माजी? क्या हुआ? पुलिस की धमकी दी है उसने हमें। अरे ऐसा क्या कर दिया हमने उसके साथ? और क्या सिखा के भेजा है तुमने उसे? बस अब वो यहां नहीं रह सकती। अरे पछता रहे हम ये शादी करवा के, अब हमें उससे छुटकारा ही चाहिए बस। माजी ऐसी बात मत करिए, अगर उससे कोई गलती हुई है तो मैं समझाता हूँ ना उसको। अरे क्या समझाओगे? हाँ हम और ये घर उसके लायक नहीं है। अरे उसकी शादी है ना किसी महल में करनी चाहिए थी, जहाँ उसे कोई काम ना करना पड़े, बस आराम करे बैठ के। माजी मैं बात करता हूँ उसको, मैं समझाता हूँ, बच्ची अभी वो। अरे क्या समझाओगे, मैं तो अब भी कहती हूँ उसे लेकर चले जाओ। भैया मुझे बताओ क्या हुआ, तुमने पुलिस की धमकी दी? तो और क्या कर दी भैया मैं, उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। देखो माँ इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं है, घर की बात अगर घर में ही रहे तो ही अच्छा है। मेरा बस चले तो यही दफन कर दूँ उसे। जिस तक बात जाएगी तो लोग हम पर भी हंसेंगे, कितनी बातें बनाएंगे, तुम्हें पता है पुलिस के पास जाना कोई हल नहीं है, कितना भाग दौड़ करनी पड़ती पुलिस कचहरी, कितना कुछ। वो अगर यहां से निकलकर पुलिस स्टेशन चली गई तो हमारे लिए एक अलग मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसका भाई उसे समझाने गया है, हो सकता है वो समझ जाए। अंकिता तुम्हारे यहां से जाते ही ना इन लोग को लगेगा कि इन्हें तुमसे छुटकारा मिल गया। ऐसे में अगर इन लोगों ने राजवीर की शादी कहीं और कर दी फिर क्या करेंगे हम लोग? लोग कुछ नहीं कर पाए, समझो तुम। इसका हल हमें सोच समझ कर निकालना होगा, आप प्लीज शांत रहिए मां। अजी मैंने अपनी बहन से बात किया है, समझ जाएगी वो, अभी छोटी है इन सब चीजों के लिए, पर आप लोग भी थोड़ा उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो अब भी कह रही हूँ उसे अपने साथ लेकर जाओ। माँ जी ये सही नहीं होगा, वो आपके घर के तौर तरीके हमारे घर में रह के तो नहीं समझ सकती ना। मैंने उसे समझाया है कि सास भी माँ ही होती है, समझ जाएगी वो, आप लोग भी थोड़ा समझिए। निकलता हूँ। माँ ये नंदिता कहाँ है? बैठी होगी कोप भवन में महारानी जो ठहरी। ये लड़की तो कली का कांटा बन गई है, जिसे ना निगला जाए ना उगला जाए, पता नहीं कैसे मिलेगा छुटकारा इससे। माँ आपका गुस्सा अभी तक उतरा नहीं। अरे घमंड तो देखो उसका, मुझसे माफी मांगना तो दूर, मुझसे बात करने तक नहीं आई। अब क्या चाहती है वो कि मैं जाके उससे बात करूं, मैं माफी मांगू?
क्या किया है तुमने माँ के साथ? जाके माफी मांगो अभी माँ से। क्या किया है मैंने? मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। क्या किया है? मुझसे जबान लड़ाएगी? माँ बिल्कुल सही कहती है, तेरा कुछ इलाज करना पड़ेगा। क्या करोगे? क्या करोगे क्या मेरे साथ? मुझे आके दिखाएगी? मौत डालूंगी तुझे। रजत छोड़ो मुझे। किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ तेरी लाश गड़ी है। मार डालूंगा। नंदिता? हाँ नंदिता। भाभी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे भाभी। अरे क्या हुआ, क्यों मार डालेंगे? भाभी ये लोग मेरे दुश्मन बन गए, मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। मेरा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है भाभी, मुझे वापस बुला लो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे भैया को बेचती हूँ, तुम उनके साथ आ जाना ठीक है। कल रात क्या हुआ था यहाँ पे? वही हुआ था जो होना चाहिए, यही सिखा पढ़ा के भेजा था ना। अगर आप लोगों को मेरी बहन को नहीं रखना है ना, तो इस बात का फैसला पंचायत करेगी। और जितने पैसे खर्च किए हैं मैंने शादी में ना, एक एक रुपए का हिसाब लूंगा आप सबसे। अरे जाओ जाओ, अगर तुमने शादी में पैसे खर्चे थे ना, तो हमने भी खर्चे थे। किया मत दो हमें, बल्कि हमारा तो तुमसे पैसा लेना निकलता है। मेरी बहन कहाँ है? बुलाइए उसे। नंदिता, नंदिता। नाटक करने आए हो क्या? चलो निकलो यहाँ से। मैं नाटक करने नहीं, अपनी बहन को वापस लेने के लिए आया हूँ, समझ रही हैं आप? तुम्हारी बहन तुम्हारे ही घर गई होगी। क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रही। और हाँ, वो कल रात से गायब है। क्या बकवास कर रहे तू? हाँ मेरी बहन कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? तुम लोगों ने उसके साथ कुछ भी किया ना, तो छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों में। छोड़। अगर आप लोगों ने मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत किया है ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इस बात का फैसला पुलिस करेगी, देखिए आप लोग। हेलो पुलिस स्टेशन। हमें फोन किसने किया था? मैंने किया था सर। सर इस आदमी से मेरी बहन की शादी हुई थी, इन लोगों ने मेरी बहन के साथ पता नहीं क्या किया सर। मैं आज उसे लेने आया हूँ सर, और ये लोग कह रहे हैं वो घर से गायब है। मेरी बहन घर से कहीं बाहर नहीं जाती थी, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। 5 लाख अगर तुम उसे दे दो तो वो ये एजेंसी ले सकता है, और फिर अगर ये एजेंसी ले लेगा तो तुम्हारी बहन ही तो सुखी रहेगी। बात तो सही है माजी, पर मैं ना उसके लिए भी माफी चाहूंगा। अरे पछता रहे हैं हम ये शादी करवा के, अब हमें उससे छुटकारा ही चाहिए बस। माँ जी ऐसी बात मत करिए, अगर उससे कोई गलती हुई है तो मैं समझाता हूँ ना उसको। नंदिता तुम्हारे यहाँ से जाते ही नहीं, इन लोग को लगेगा कि इन्हें तुमसे छुटकारा मिल गया। ऐसे में अगर इन लोगों ने राजवीर की शादी कहीं और कर दी फिर क्या करेंगे हम लोग? भाभी ये लोग मेरे दुश्मन बन गए, मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। मेरा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है भाभी। इनकी बहन नंदिता कहाँ है?
हमें क्या पता, गई होगी कहीं। आप चुप रहिए, आप बताइए कहाँ है वो। मुझे नहीं पता सर, सुबह उठकर कमरे में देखा तो वो वहां नहीं थी। तुम्हारी बीवी अचानक कमरे से गायब कैसे हो सकती है, तुम भी तो साथ में ही थे ना। नहीं सर, मैं कमरे में नहीं था, मैं छत पर सो रहा था। अच्छी कहानी है, तुम छत पर सो रहे थे, बीवी अचानक से कमरे से गायब हो गई और तुम सब ने, किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। कमाल है, उसका कमरा कहाँ है जी? उसका कमरा कहाँ है सर? वो उस साइड। आओ। पूरे कमरे की तलाशी लो। Yes, sir. सर ये झुमका। सर ये झुमका मेरी बहन नंदिता का है। सर ये देखिए, टूटी हुई कांच की चूड़ियां। एविडेंस बैग में डालो। Yes, sir. सर एक खून से लथपथ चाकू। मार दिया ना तुमने उसको? हाँ नहीं सर। लाश कहाँ है नंदिता की? सर मुझे नहीं पता सर, मैंने नहीं करा सर, ये गलत है। तू ऐसे नहीं बताएगा, लेके चलो इसको, देखता हूं तू कैसे नहीं बताता है कि नंदिता कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, इसने कुछ नहीं किया है। हमें हमारा काम करने दीजिए, ले चलो इसे। माँ इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए इसे, कुछ नहीं किया इसने। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए। पता उसकी लाश का क्या किया है? सर मैंने कुछ उसके कत्ल में तेरी माँ और तेरी बहन भी शामिल है ना? सर कोई शामिल नहीं है सर। सर मैंने कुछ नहीं कहा है सर, प्लीज सर। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। क्यों मारा उसे? उसकी लाश का क्या किया? सर ये किसी की साजिश सर, मैंने नहीं करा सर, मैंने नहीं मारा उसे। इसे ना कोर्ट में पेश करके उसके बाद इसे रिमांड पे लेंगे। देखते तू कब तक नहीं बताता, देखते कब तक मारी से, तब तक मारी से जब तक ये बताता नहीं है। नमस्ते मैडम। आइए वकील साहब। वकील साहब इस बार तो मेरे बेटे की जमानत हो जाएगी ना? देखिए कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ, लेकिन कमरे में जो चाकू मिला है उस पे खून के धब्बे आपके बहू के ही पाए गए हैं, इसलिए जमानत होते होते रह गई। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे बेटे ने ये खून नहीं किया है, और आप ये बात साबित नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए राजवीर अगर कातिल नहीं है तो असली कातिल है कौन? अदालत भी यही जानना चाहती है। अगर कातिल कोई और है तो उसे सामने लाना पड़ेगा। वैसे मैंने जमानत की तैयारी कर ली है, और पुलिस अभी तक नंदिता की लाश भी बरामद नहीं कर पाई है। मैंने एक गवाह खड़ा कर लिया है, संभावना है कि राजवीर को जमानत मिल जाए। अच्छा मैं निकलता हूँ। वकील साहब थोड़ा चाय पानी कुछ नाश्ता? नहीं नहीं फिर कभी, अभी जल्दी में हूँ। नमस्ते। राजवीर की दूसरी शादी की बात तो आप भूल ही जाइए, कत्ल का आरोप है उसके ऊपर। वो कानून से बच जाए यही बहुत बड़ी बात है। जो हुआ है उसे देखकर कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ेगा आपके घर से? देखिए अब आप ज्यादा मत सुनाइए, आप जाइए। ठीक है, नमस्ते।
माँ भैया आ गए, उन्हें जमानत मिल गई। किधर है? हे भगवान, क्या हो गया? किस हालत में लेकर गए थे और किस हालत में छोड़ा है? जाने दो माँ, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नंदिता जिंदा है या मर गई, और अगर मर गई है तो उसे मारा किसने है? माँ कल मैं हमीरपुर निकल जाऊंगा, वहां पे वकील साहब ने मेरे लिए गवाह खड़ा किया जिसकी वजह से मुझे जमानत मिली है, उसे कुछ पैसे देने हैं। ठीक है बेटा, जा तू आराम कर। ये पूरे 5,000 जैसे कहा है वैसे ही करना। नंदिता आ जाओ। भाई साहब, आपने इस औरत को आसपास कहीं देखा है? ये हा? ये तो यहां कई दिनों से रह रही है। कहां? यहां। थैंक यू। कौन है भाभी? तुम जिंदा हो? मेरी जिंदगी तबाह करके तुम यहां छुपी बैठी हो? तो तुमने कौन सी मेरी जिंदगी खुशहाल कर दी थी? तुम तो मुझे कब जान से मार देते, मुझे तो ये भी नहीं पता था। और ये सब तुम लोगों ने शशिकांत के कहने पे किया ना? नहीं, इसने ये सब मेरे कहने पे किया था। इसके बारे में बस मैं और नंदिता जानते थे, और इसकी हालत देखने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। ये लोग मुझे मार डालेंगे भाभी, मेरे यहाँ पर जीना दुश्वार हो गया है। मैं कहीं भी रह लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन इस घर में मैं और नहीं रह पाऊंगी। भाभी मुझे यहाँ से ले चलो। राजवीर कहाँ है? अभी उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, गला दबाकर, और अब छत पर चले गए। तो फिर तुमने सोच लिया है कि तुम वहाँ नहीं रहना चाहती? हाँ भाभी, मैंने सोच लिया है, मैं इस घर में और नहीं रह पाऊंगी भाभी। तो ठीक है फिर, लेकिन मैं इस परिवार को छोड़ूंगी नहीं, इन्हें सबक जरूर सिखाऊंगी मैं। नंदिता, तुम कल ही मेरे मायके के लिए निकलना हमीरपुर, और इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे भैया को भी नहीं। ठीक है? ठीक है भाभी। और अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? राजवीर को जेल भेजने का बंदोबस्त। और वो टूटी हुई चूड़ियां, वो भी मैंने ही वहां रखी थी, और वो झुमका भी मैंने जानबूझ के वहां छोड़ा था।
और भाभी के कहने पर मैंने अपनी उंगली काटकर उस चाकू पर खून भी अपना खुद ही लगाया था ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। और मेरी जिंदगी खराब करने को तुमने हर चीज करी। राजू छोड़ो, तेरे कारण मैं दिन रात जेल में काटा, मार खानी पड़ी तुम्हारे और मेरे छोटे लोग को। तुम्हारे कारण मैंने कितना कुछ बर्दाश्त करा। राजू छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं नहीं छोड़ने वाले से, कुछ मन से मार के रहूंगा आज मैं। विनता, कैसे हुआ सब? इंस्पेक्टर साहब, आपके पति ने मुझे कॉल किया था। कैसे हुआ ये सब? सब सर, वो मुझे जान से मारने आया था, मेरा गला दबाने लगा सर, मुझे मुझे लिटरली जान से मारने की कोशिश कर रहा था सर। अगर मैं अपने आप को नहीं बचाती तो मैं मर जाती। और जब मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस में जैसे उसे धक्का दिया, उसे वहां पे लगी और वो गिर गया और मर गया सर। सर मैंने नहीं मारा, सर मैंने नहीं मारा उसे, उसने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूं ये कत्ल आपने सेल्फ डिफेंस में किया है, लेकिन मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। कानूनी प्रोसेस है और आपने अपने कत्ल की साजिश भी रची, इसे गिरफ्तार कीजिए और एम्बुलेंस को बुलाओ।